माननीय सदस्यगण, 16वीं लोकसभा का 14वां सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस बजट सत्र का पहला भाग माननीय राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कक्ष में दोनों सभाओं के एक साथ समवेत सदस्यों को 29 जनवरी 2018 को किए गए संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ। यूनियन बजट, जिसमें वर्ष 2018-19 के जनरल एंड रेल दोनों बजट शामिल थे, 1 फरवरी 2018 को पेश किया गया। इस सत्र के दौरान कुल 28 बैठकें हुई, जो 33 घंटे और 50 मिनट चली। इनमें से 7 बैठकें सत्र के पहले भाग में और 21 बैठकें दूसरे भाग में हुई। सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। यह 10 घंटे और 43 मिनट तक चली। बहस के पश्चात यह 7 फरवरी 2018 को पारित हुआ। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट पर चर्चा 7 और 8 फरवरी 2018 को हुई। बजट पर चर्चा 12 घंटे 13 मिनट चली। सभा 9 फरवरी 2018 को स्थगित की गई, ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों विभागों के डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की जांच कर सके और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके। रेसेस के पश्चात बजट सत्र का दूसरा भाग 5 मार्च 2018 को प्रारंभ हुआ। दूसरे भाग के दौरान 2018-19 के लिए बजट जनरल के संबंध में रेल सहित सभी मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 14 मार्च को ये पूरी स्वीकृत हुई तथा संबंधित अप्रोप्रिएशन बिल पारित किया गया। सभा ने 14 मार्च 2018 को फाइनेंस बिल भी पारित किया। 2017-18 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के चौथे बैच को पारित किया गया और संबंधित अप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया। चालू सत्र के दौरान 5 सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए, कुल मिलाकर 5 विधेयक पारित किए गए। उसमें निम्न है, फाइनेंस बिल 2018, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अमेंडमेंट बिल 2017, द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट बिल 2017। सत्र के दौरान 560 स्टार्ट क्वेश्चन में से 17 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 0.60 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष स्टार्ट क्वेश्चंस के लिखित उत्तर 6,440 अनस्टार्ट क्वेश्चन के साथ लिखित में उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 238 मामले उठाए। इस सत्र के दौरान विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 61 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 43 स्टेटमेंट्स, नियम 199 के अधीन एक स्टेटमेंट और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के 3 स्टेटमेंट्स दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा कुल 1340 पत्र सभा पटल पर रखे गए। इस सत्र में जबकि व्यवधान और विभिन्न कारणों से स्थगनों के कारण 127 घंटे 45 मिनट तक कार्य बाधित रहा। सभा ने 9 घंटे और 47 मिनट देर तक बैठकर अविलंबनीय अर्जन गवर्नमेंट बिजनेस भी पूरा किया। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि यह सभा सदस्यों के लिए जनहित तथा लोक कल्याण के मुद्दों को उठाने हेतु सर्वाधिक पवित्र मंच है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा अपने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने से संबंधित उनकी चिंताओं को समझती हूँ, लेकिन उन्हें देश के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखना होगा। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहा कि समुचित सूचनाएं देने पर सदस्यों को सभा में मुद्दों को उठाने का अवसर प्राप्त हो। सकारात्मक पहलू के रूप में मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी कि सभा में गतिरोध होते हुए भी मुझे नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 10 और 11 मार्च 2018 को आयोजित करने में सभी दलों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन, जिसकी थीम
वी फॉर डेवलपमेंट थी, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा नीति आयोग के मुख्य नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कल्याणकारी कदमों के बारे में सार्थक चर्चाएं की। इस सम्मेलन की सफलता के मेरे लिए यह सचमुच अत्यंत हर्ष की बात है, जो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जब भी जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है, तब राजनीतिक मतभेदों से परे विधानमंडलों एवं सांसदों का फ्रैटर्निटी ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज भ्रातृत्व उभर कर सामने आता है। पॉजिटिव इनिशिएटिव्स की बात आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 4 अप्रैल 2018 को वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। इस भवन की संरचना अपने आप में अत्याधुनिक है और इसके निर्माण को निर्धारित समय सीमा से 6 माह पहले ही पूर्ण कर दिया गया। यह अगली लोकसभा के लिए आम चुनाव के बाद विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा। नया भवन सदस्यों के अतिथियों और पूर्व सदस्यों के लिए भी उपयोगी हो, एक्स मेंबर्स के लिए, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। मैं इस उपलब्धि को हासिल करने में योगदान देने वाली सभी इंजीनियर, वास्तुकारों, शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एवं लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देती हूँ। मैं सभा के संचालन में अपना सहयोग देने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, लोकसभा और सभापति तालिका में शामिल अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दल और समूह के नेताओं और मुख्य सचेतों को तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर लोकसभा महासचिव एवं लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तात्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूँ। सभा की कार्रवाई के संचालन में सभी संबंध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने स्थान पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम बजाया जाएगा। Adjourning, sine.